हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज आपके सामने हरियाणा पीजीटी भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हुआ है और इसी के बारे में आज हम लोग यहां पर बातचीत करने वाले हैं। यहां आप लोग काफ़ी सारे सब्जेक्ट देखेंगे और उन्हीं में से आपका एक ललित कला सब्जेक्ट आता है जिसे हम फाइन आर्ट बोलते हैं। इस सब्जेक्ट के बारे में हम अच्छे से पूरा जाँचने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कितनी सीटें हैं इस सब्जेक्ट में, इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी, सैलरी कैसी क्या है, पे स्केल वगैरह, और सीटें कितनी हैं। टोटल सीटें आपकी 3069 हैं। खैर, अभी हम पूरा आपको डाटा दिखाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हुए हैं, तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है आपको, ठीक है। और लास्ट में कमेंट बॉक्स पर अगर कोई भी इंक्वायरी है तो उसमें करना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये है आपके सामने नोटिफिकेशन, ये आपके सामने नोटिफिकेशन है जिसमें दिया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक। तो इसको आज हम देखने वाले हैं, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने ये नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है, इसमें जो सबसे पहले है दिया हुआ है कि डेट ऑफ पब्लिकेशन, ये आया है आपका 23 जुलाई 2024 को ये नोटिफिकेशन आउट होता है। अब इसमें जो ओपनिंग डेट रखी गई है, फॉर्म भरने की जो डेट रखी गई है, वो 25 जुलाई से, मतलब आपका 25 जुलाई 2024 से स्टार्टिंग होगी। और क्लोज का मतलब है कि ये बंद कब होगा, ये 14 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब 25 जुलाई से 14 अगस्त तक आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गई डेट की बात कि कब आप फॉर्म भर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। चलिए, इसमें दिया है कैंडिडेट टू इंश्योर दियर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, ठीक है। चलिए, इधर पे कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये केवल दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला होगा क्योंकि नोटिफिकेशन भी थोड़ा सा ऐसा ही आया है, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है तो हम आपको बता दें यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, आप देख रहे हैं ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं अलग अलग, ठीक है। तो हमें बात करनी है यहाँ पर फाइन आर्ट सब्जेक्ट की, जिसका कोड जो एडवर्टाइज नंबर, मतलब कि विज्ञापन संख्या जो है वो है आपका 23/2024, ठीक है। ये आपका फाइन आर्ट सब्जेक्ट का कोड है, ठीक। अब ये जो है ना, ये दो टाइप से बटी हुई है भर्ती, ये ROH है आपका और एक मेवात में है, ठीक। तो रेस्ट ऑफ हरियाणा जो है, इधर पे आप लोग टोटल जो पोस्ट देखेंगे वो 12 पोस्ट है, और यहाँ पर जो देखेंगे मेवात वाले क्षेत्र में, यहाँ 4 पोस्ट देखने को मिलती हैं। इसमें आपकी जनरल कैटेगरी में 7 सीटें हैं और मेवात में 3 सीटें हैं, ठीक। इस तरह से आपको देखना है कि 12 और 4 का बंटवारा हो गया है 7 और 3 में, ठीक। फिर यहाँ पर 2 सीटें हैं, फिर 1 सीटें हैं, 1 सीटें, 1 सीटें, मतलब आप लोग देखेंगे ये जनरल कैटेगरी, मतलब जितनी भी कैटेगरी वगैरह है ना, उनके अकॉर्डिंग ये सीटें बटी हुई हैं। ऐसे ही नीचे आप लोग देख रहे हैं तो नीचे तो बिल्कुल 0 है, यहीं पर 3 है और 1 4 है, टोटल 4 है मेवात में, और टोटल वहाँ से देखेंगे तो उस तरह से आप देखेंगे तो काफ़ी सारी सीटें इधर पर देखने को मिलेंगी, ठीक। तो रेस्ट ऑफ हरियाणा जो रीज़न है ना, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पोस्ट देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर 33% जो फीमेल कैंडिडेट हैं, यहाँ समझिए, यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है ना, उनको 33% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसमें जनरल SC BC और BC B में, ठीक, यहाँ देखने को मिल रहा है। फिर दिया है यहाँ पर ESM में 5% हॉरिजॉन्टल मिल रहा है आपको, ठीक, यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, तो इस तरह से ये आपकी सीटों का विवरण दिया हुआ है इधर पे। अब हम बात करते हैं इधर पे। चलिए आगे चलते हैं, तो देखते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में बातचीत हो रही है। चलिए, क्वालिफिकेशन की बात कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर आपकी अब क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, हमने सीटों के बारे में बता दिया आपको पीछे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्वालिफिकेशन में आपको क्या क्या मांगा गया है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़,
कंपलसरी जो दी है ऑप्शन ए नंबर पे, ऑप्शन ए नंबर पे जो दिया है ना, दिया गया है इसमें क्या क्या, मैट्रिक्स विद हिंदी या संस्कृत, और या फिर कुल मिलाकर आपसे कहा जाए 10+2 मतलब आपका इंटर होना चाहिए, बीए होना चाहिए, एमए होना चाहिए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, ये दिया गया है। आगे चलते हैं, ये सभी के लिए है, ठीक है, ये सभी के लिए दिया है। आगे सब्जेक्ट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब हरियाणा का जो टेट होता है वो होना चाहिए, स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर आपका एस्टेट है वो होना चाहिए, ठीक, और कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और उसका जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये तीन कैटेगरी तो आपके पास होंगी, सभी के पास होंगी, ये आपको पता होगा, ठीक है। आगे अब देखिए बी नंबर पे क्या दिया है, अब जो आपका स्पेसिफिक मतलब कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलना है ये देख लीजिए। तो ये बायोलॉजी वगैरह ये दिया है, हम लोग फाइन आर्ट की बात करेंगे। तो देखिए फाइन आर्ट में आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो देख लीजिए, एमए होना चाहिए आपका फाइन आर्ट विद एटलीस्ट आपका 50% आपके फाइन आर्ट में होने चाहिए विद बीएड, एंड साथ में दिया है और बीएड विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब साथ में आपका बीएड होना चाहिए और एमए होना चाहिए, ये आपको एकदम याद रखना है, ठीक। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई, आपने देख ली। चलिए आगे चलते हैं, होम साइंस मैथमेटिक्स ये तो हटाइए, ये सारा आपका अलग अलग सब्जेक्ट दिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसका कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रखने वाला है, तो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने होंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस ये सब हटाइए, टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो आपका 2 घंटे का होगा, टोटल मार्क्स कितने के होंगे, देखो 100 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन का एक नंबर होगा, मतलब 100 टोटल मार्क होगा आपका, ठीक है, और सभी ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल नंबर, मतलब कि सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, ये आपसे इसमें पूछा मतलब दिया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ईच क्वेश्चंस विल हैव 5 ऑप्शन, देखिए 5 ऑप्शन आपके पास आएंगे ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शन आएंगे, इफ अ कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन सी ही शैल हैव टू डार्किन द अप्रोच सर्किट, ये तो आप सभी जानते हैं, भर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस मार्किंग को देख लीजिए, 1/4 की माइनस मार्किंग है, आपको याद रखना है, कितनी है 1/4, मतलब 4 अगर क्वेश्चन गलत होते हैं ना तो आपका 1 जो सही किया है वो आपका चला जाएगा, कुल मिलाकर ये पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, shall be disqualified any candidate not darken of the 5 circle in more than 10%, चलिए हटाइए ये सब, ऐसे ही है, तो आपको 1/4 का याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ये दिया है कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज किसी ने ली है ना तो उसको जो पेपर मिलेगा केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा, और जो आपका ये कॉमर्स इकोनॉमिक्स फाइन आर्ट, आपका फाइन आर्ट है तो ये आपको बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा, हिंदी भी दिया होगा साथ में और साथ में इंग्लिश भी दिया होगा, ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही में ही बाइलिंगुअल पेपर आएगा, ये इसमें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये थी पहले पेपर की बात, देखो 2 पेपर होंगे, ये थी पहले पेपर की बात, एक सेकेंड कहाँ गया भाई, इतना बड़ा नोटिफिकेशन रहता है ये कि पता ही नहीं चलता कि इसका सिर कहाँ है इसका पैर कहाँ है। चलिए पैटर्न ऑफ एग्जाम, तो पहले नंबर पे हमने देखा था स्क्रीनिंग टेस्ट में, ठीक है। अब देखिए दूसरे नंबर पे आता है आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ठीक है, ये आता है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट में आपने क्या देखा था, देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट में आपने क्या देखा था, 100 मार्क्स आ रहे थे, ठीक है, 100 मार्क्स आ रहे थे और ये आपने देख लिया था इधर पे, ठीक। अब दूसरा आता है आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, इसमें आपका ये 3 घंटे का होगा, ये 150 का मार्क्स होगा, ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपका लैंग्वेज वही चीज़ सेम दी हुई है, फाइन आर्ट, ठीक है, ये सब आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो ये हो गया आपका इंटरव्यू, वाइवा दिया हुआ है तीसरे नंबर पे,
तीसरा जो होगा आपका इंटरव्यू होगा, वाइवा होगा, ठीक है। वेट वेट जो होगा ना इसका 12.5% आपका लिया जाएगा इंटरव्यू, ठीक है। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाई एडिंग द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू वाइवा, ठीक है। तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू वाइवा के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। फाइनल मेरिट बनेगी इसमें दिया है। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए स्केल दिया हुआ है, पे ऑफ स्केल दिया है, तो ये 47,600 से लेकर 151, आप देख लीजिए इसमें कि कितना ज़्यादा मतलब पे स्केल है, अच्छी खासी नौकरी है, ठीक। तो ये हो गया सर्विस रूल ऑफ द पोस्ट, ये सब हटाइए, इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है। अब एज लिमिट दी हुई है, तो इसमें कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 42 ईयर्स, मतलब 18 से 42 के बीच का ही व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है, ये आपको दी गई है, ठीक, याद रखना है। 14/8/2024 से इसमें माना गया है। तो शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है, जो वहाँ से है। बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा को 5 साल का, इस तरह से ये सब दिया हुआ है, ये आप लोगों के मतलब का हो तो देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग सिलेबस की तरफ देख लेते हैं, ठीक है। सिलेबस कहाँ है आपका ये देख लेते हैं, एक सेकेंड रुकिए। इतना बड़ा इतना भयंकर नोटिफिकेशन रहता है कि कुछ पता ही नहीं चलता, बस एक सेकेंड रुकेंगे, निकालते हैं। कहाँ गया भाई ये केमिस्ट्री का आ गया। ये हमें लगता है ये देखिए फाइन आर्ट। अब यहाँ पे आपकी जो यूनिट बटी हुई है ना, ये कितने यूनिट में बटा हुआ है इसको देख लीजिए। ये जो है आपका 20 यूनिट में बटा हुआ है, जो आपका फाइन आर्ट सब्जेक्ट है ना, ये आपका 20 यूनिट में बटा हुआ है, ठीक है। तो 20 यूनिट में बटा हुआ है, तो यूनिट फर्स्ट में आप लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विजुअल आर्ट और फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल आर्ट, स्पेस, फॉर्म, साइज, शेप, लाइन, ये सब आप चीज़ें हर चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप लोग जो रेखा वगैरह है, रेखा संयोजन आप लोग पढ़ते हैं, और कला कहाँ से विकसित होती है, ये सब चीज़ें आपको ये इस वाले पार्ट में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग परेशान मत होइए, शाम को 7 बजे आपकी ललित कला की क्लास चलती है, फाइन आर्ट की क्लास चलती है, बीपीएससी वालों को हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग भी शाम को सात बजे उस क्लास में सभी लोग जुड़ जाया करिए, ठीक है। तो वहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी, यही सब चीज़ें हम उसमें करवाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलो तो यूनिट सेकंड में क्या है, यूनिट सेकंड में क्या दिया है, इसमें दिया है कॉन्सेप्चुअल अब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट बिटवीन परफॉर्मिंग लिटरली प्लास्टिक्स, स्ट्रक्चर, यूज ऑफ स्पेस, विजुअल, हाँ तो ये सब चीज़ें भी आपको पढ़ लेनी है। फिर दिया है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मीडियम एंड मटेरियल्स इन मेकिंग विजुअल आर्ट, जैसे पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो शाम को 7 बजे क्लास पढ़ाएंगे ना, ये सारे आपको MCQs वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें प्रोसेस वगैरह दिया है, प्रोसीजर यूज्ड इन मेकिंग पेंटिंग स्कल्पचर, अच्छा विधियाँ दी गई हैं इसमें, ये भी याद रखना है जो उसमें यूज होती हैं। पाँचवें नंबर पर दिया है आर्ट हिस्ट्री के बारे में, कि उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे अप्लाइड आर्ट दिया है इसमें, ठीक है। छठवें नंबर पे दिया है विजुअल आर्ट इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स ऑफ अप्लाइड आर्ट, हाँ तो इसमें भी यही सब चीज़ें हैं, ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर दिया है लैंडमार्क फेजेस एंड आर्टिस्टिक इन वेस्टर्न आर्ट थ्योरी, अच्छा वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री भी दी गई है इसमें, प्री हिस्टोरिक टाइम, ये पूरा आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मटेरियल, टेक्निक, स्टाइल, ये ठीक है, ये पढ़ा देंगे हम आपको। आठवें नंबर पे दिया है इंडियन आर्ट हिस्ट्री फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम टू 18th century इंक्लूडिंग द हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ओके तो इसको भी पूरा क्लियर करवा देंगे, ठीक है। ये आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम इसका हिंदी में प्रोवाइड करवा देंगे एक अलग से वीडियो,
तो उसको भी आप लोग अच्छे से समझ जाना, ठीक है। चलिए 19 नंबर पे ये दिया हुआ है, तो ये आपका इंग्लिश में है, ठीक है। आप लोगों को समझ में ना आ रहा होगा और हम समझा भी नहीं पाएंगे, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखकर हम आपको अलग से समझा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, ये हो गया। चलिए ऐसे ही ये आपका दिया हुआ है, तो ये आपके पूरे 20 के 20 पॉइंट दिए हुए हैं, इसको हम पूरे डिटेल में एक अलग क्लास में बता देंगे, ठीक। तो इस तरह से आपका जो फाइन आर्ट सब्जेक्ट है, इस तरह से जो आपका फाइन आर्ट सब्जेक्ट है ना, आपकी पूरी जो सीटें हैं, कहाँ गई सीटें, ये है, पूरी सीटों का ब्यौरा हमने आपको यहाँ पर बता दिया है कि कितनी सीटें हैं और कितनी सीटों पर आपको फाइट करना है। तो देखिए सीटें तो बहुत ज़्यादा कम हैं, सीट्स जो है ना, सीट जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, इसलिए जो है ना, जितने भी बच्चे फॉर्म भर रहे हों या भरे हों, ठीक है, भरना चाहते हों, उन सभी को बस यही कहना चाहेंगे, शाम को 7 बजे हम महाअभ्यास के नाम से सीरीज चल रही है, BPSC वाले भी पढ़ रहे हैं उसको और UP वाले भी पढ़ रहे हैं, तो उसी में आप हरियाणा वाले भी जाकर पढ़ लेना, ठीक है। एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास कल होगी, तो आप सभी को क्या करना है, उस क्लास में ज़रूर सभी को जुड़ना है, ठीक है। शाम को 7 बजे होती है, इसी चैनल पे होती है, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो फटाफट से कर लीजिएगा, और भी अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे डालिएगा कमेंट, हम आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। थैंक यू।